आप लोग थोड़ा इधर आइए, थोड़ा सा मंच पर आसीन। हमारे समाज के उभरते हुए सितारे जिनको मैं स्वयं पिछले 20-25 वर्ष से अच्छी तरह से जानता हूं, आदरणीय मुकेश अग्रवाल जी, तालियों की थोड़ी कमी लग रही है आज उन्हें सदन के अंदर। आपका इतना कर्मठ मेहनती अध्यक्ष है जो तालियों की गड़गड़ाहट तो बजाओ भाई, और ऊपर नहीं बजे। कहावत है ना कि अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अगर लड़ाई नहीं ऊंचा नहीं दोगे तो लड़ाई में छा पूजा हमारे मंच पर। हमारे पूर्व विधायक बीज निगम के अध्यक्ष आदरणीय मुंडालाल जी, हमारे बीच में उपस्थित हम सब की गौरव, केवल आपकी समाज की गौरव नहीं, ग्वालियर चंबल संभाग और कोटा की गौरव नहीं, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भारत की गौरव। नंदिनी गुप्ता जी, हमारे नौजवान कर्मठ वैश्य समाज के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वे गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर शहर के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी, हमारे शहर की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता जी, मंच पर जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई और कई हमारे वक्ता, संत सुंदरदास समाज के हमारे पंकज विजयवर्गी जी, महाराज अग्रसेन के समाज के हमारे अशोक अग्रवाल जी, राजेश एरन जी और अरविंद गुदावत साहेब, भगवान महावीर के समाज के हमारे राकेश जैन जी और प्रखर वक्ता पारस जैन साहेब, मैथिली शरण गुप्त जी के समाज के हमारे दिलीप तपा जी, जयेश गुप्ता गमेली जी और सुधीर गुप्ता जी, भगवान महेश के समाज के हमारे उमेश हलवत होलानी जी, संत सुंदरदास के खंडेलवाल समाज के हमारे गणेश खंडेलवाल जी और अमित सेठी जी, माथुर समाज के हमारे अमित गुप्ता जी, माहौर समाज के हमारे रोहित गुप्ता जी, अशोक पांडेल जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के हमारे डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी, हमारी नारी शक्ति वैश्य समाज की महिला विंग की ज्योति मंसल जी, रानी गुप्ता जी और यहां उपस्थित हमारे वैश्य समाज के समस्त महानुभाव बहनों भाइयों और नौजवानों।
समाज की विशेषता, हमारी समाज की क्षमताएं, हमारी समाज की वर्तमान की परिस्थिति, हमारे समाज की मध्य प्रदेश के स्तर पर नहीं, राष्ट्र स्तर पर नहीं, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज का मानवता के और मानव जाति के प्रति योगदान हो रहा है। और मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे वैश्य समाज को आप अपने आप तक सीमित मत रखो। हमारे समाज के महान पुरुषों, चाहे महाराज अग्रसेन जी हों, चाहे भगवान महावीर जी हों, चाहे मैत्रीशरण जी हों, चाहे भगवान महीर जी हों, संत सुंदरदास जी हों, सभी ने अपने जीवन काल में, अपनी अवधि में, अपनी विचारधारा में, अपनी जीवन शैली में, सभी ने आपके समाज को केवल नहीं लेकिन संपूर्ण मानव जाति को संदेश दिया है वासुदेव कुटुंबकम। किसी और वक्ता ने कहा कि अगर हम देखें देश में कितने धर्मशाला बने हैं, ज्यादा करके सब वैश्य समाज के द्वारा बनाए हैं। देश में कितनी गौशाला बनी है, ज्यादा करके सभी वैश्य समाज ने बनाए। हमने क्या किया है उसका उत्तर तो मुझे मिल गया। हमने क्यों किया है इसका उत्तर मुझे इस मंच से नहीं मिला। और क्यों का उत्तर मैं आपको दे दूं, क्योंकि वैश्य समाज की आदर्शशिला, वैश्य समाज की नींव, वैश्य समाज के मूल पूरे विश्व के मानव जाति के विकास और प्रगति को आगे बढ़ाने का संकल्प सदैव रहा। मुन्ना लाल जी ने अपने उद्बोधन में सतर्क किया कि देश के राष्ट्रपिता अहिंसा के पथ प्रदर्शक भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए। कैसे मुट्ठी बांधकर अहिंसा के पथ पर चलकर
जिन लोगों का एक अन्याय का राज इस देश में था, उनकी बोरी बिस्तर प्यार के साथ बांध कर कैसे महात्मा गांधी ने उनको इस देश से रवाना कर दिया। ये आपका इतिहास, ये आपकी विरासत। इतनी महान विरासत जिसके पग पग में, जिसके आज से नहीं लेकिन 100, 200, 300 वर्ष नहीं, हजारों साल पुरानी एक लंबी इतिहास रही कल्याण की, समाज सेवा की, केवल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लेकिन एक फूलों की माला की तरह अनेक तरह के पुष्प को एकत्रित करके पूरे समाज को आगे बढ़ाने की एक विचारधारा अगर रही है तो वैसे समाज की भी। सहमत होगी नहीं आप मेरे साथ? अभी भी ऊर्जा देनी पड़ेगी मुझे, सहमत होगी नहीं? तो ये आपका इतिहास है, ये आपकी नींव है, ये आपकी पूंजी है मेरे भाई और बहन। देश की आजादी के इतिहास की अगर हम बात करें, ऐसे ऐसे नवरत्न आपके समाज के हैं जिनके पदचिन्हों पर चलने के लिए आज का एक एक युवा इस भारत का लालायक, चाहे लाला लाजपत राय जी हो, चाहे भामाशाह जी हो, चाहे सेठ हुकुमचंद अग्रवाल जी हो, चाहे लाला झाकुमल सिंघल जी हो, चाहे मास्टर अमीर चंद हो, जिन्होंने देश की आजादी के लिए दिन प्रतिदिन बलिदान देने का काम किया मेरे भाई और बहन। ये आपकी इतिहास है, ये आपकी नींव है, ये आपकी पूंजी है, ये आपकी विरासत है। तो आज आश्चर्य की बात नहीं कि अगर समाज आगे बढ़ता है तो समाज का संकल्प है कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई पीछे ना छूट जाए, सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ना होगा। ये वैश्य समाज की सोच और विचार है। और ऐसा बुलंद समाज, जिस समाज के हम लोग नवरत्न का शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन आठ रत्न, आठ घटक, और आठ घटक मैं नहीं कहूंगा, उनके भी कह रहे थे आठ घटक है हमारे समाज के, आठ घटक नहीं है आपके समाज के, आठ रत्न है आपके समाज के। चाहे अग्रवाल समाज हो, जैन समाज हो, महोर समाज हो, गोरी समाज हो, महेश्वरी समाज हो, खंडेलवाल समाज हो, माथुर समाज हो, बाबा साहब अंबेडकर की जो सोच और विचारधारा थी, हाथों की 10 उंगलियां होती हैं, आपके 8 रत्न है। ये रत्न बिखर न जाए, इनको साथ रखो तो जैसे हाथ की उंगलियां मुट्ठी बन जाती है, आपके 8 रत्न भी एक पूर्ण रत्न की तरह की चमक के साथ आगे बढ़े। विविधता है विचारधारा में, विविधता है सोच में, विविधता है क्षमता में। किसी का कोमल स्वर, किसी का स्पष्ट सुनाने का स्वर, उसी से
समाज मजबूत हो। आज नंदन जी भी हमारे समक्ष है, इनके माता पिता ने पाला है, पोसा है, मेहनत मशक्कत करके इस पड़ाव तक पहुंचाया है। नंदनी जी की माता को मैं प्रणाम करता हूं, पिताजी को भी करता हूं, पर पिताजी से ज्यादा मैं माता जी को करता हूं। कहे माता क्यों? क्योंकि मां की वही मूर्ति है जो आने वाले पीढ़ी को पूर्ण लक्षण देती है, सिद्धांत देती है और मूल्य देती है। जिस तरीके से नंदनी जी ने कोटा का नाम, समाज का नाम और देश का नाम आगे किया, मुझे इस बात का विश्वास है कि समाज में नंदनी जैसे कई हीरे हैं, उनको हमें बटोरना होगा, और बटोरना होगा समाज के हित में नहीं मेरे भाई और बहनों, बटोरना होगा मेरे मध्य प्रदेश और मेरे देश के हित में। अभी नंदनी जी मुझसे बात कर रही थी, कह रही थी कि मुझे कोटा से जयपुर जाना पड़ता है, हवाई जहाज पकड़ने के लिए। मैं नंदनी जी को विश्वास दिलाता हूं कि जल्द से जल्द कोटा में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हम लोग स्थापित कर रहे हैं। जितनी तालियां एयरपोर्ट के नाम पर मुझे सुनी, उतनी तालियां मुझे समाज के मूल्यों के नाम पर तो नहीं सुनी। तो भारत जी सही है कि नहीं बताई? मूल्यों के नाम पर तो कंजूसी हो रही थी, पर एयरपोर्ट के नाम पर तो बहुत तालियां होती। और आप चिंता मत करो कि ग्वालियर का एयरपोर्ट भी ये साल निकलने के पहले मैं आपके लिए तैयार करती रहूंगी। ये पहला एयरपोर्ट होगा मेरे भाई और बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है, मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं ये पहला एयरपोर्ट होगा 75 वर्ष में कि एक साल की अवधि में शिलान्यास भी समाप्त होगा और लोकार्पण भी समाप्त होगा। और यह भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये एयरपोर्ट, हमारा एयरपोर्ट, जितने लोग यहां भोपाल और इंदौर में हैं, ये एयरपोर्ट भोपाल और इंदौर से कम नहीं, उससे ज्यादा बड़ा बनाकर मैं आप लोगों को समर्पित करूंगा। बस एक ही गुजारिश, विनम्रपूर्वक हाथ जोड़ के, आज भी जब मैं प्लेन में आया हूं, प्लेन भरा हुआ नहीं, एयरपोर्ट तो मैं 500 करोड़ का बना रहा, जो आप लोगों ने कभी भी ग्वालियर में नहीं देखा, एयरबस 320 विमान, पहले छोटे छोटे विमान आते थे या कोई भी विमान नहीं आता था, कौवा बोलता था एयरपोर्ट पे, आज ATR नहीं आता, सेस्ना नहीं आता, आज एयरबस 320 विमान बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर के लिए आता है, और कृपा करके उसको भर के भेजो। नहीं तो घाटे में तो आपको मालूम है आपका बिजनेस भी नहीं चलता, भर के भेजोगे? आप लोग दिल्ली जाते हो, बॉम्बे जाते हो, बैंगलोर जाते हो, अगर नहीं जाते हो तो चले जाओ और की देश भी देखो। 185 सीटर का विमान है, आजकल करीब 100-120 लोग जा रहे हैं, कृपा करके इस सभागार में मुकेश जी आपसे निवेदन करूंगा, और हमारे समाज के जितने भी लोग आए थे मेरी अगवानी करने के लिए,
पंकज जी, अशोक अग्रवाल जी, राकेश जैन जी, दिलीप थप्पा जी, अभय होलानी जी, गणेश खंडेलवाल जी, अमित गुप्ता जी, रोहित गुप्ता जी, प्रवीण अग्रवाल जी, ज्योति बंसल जी, आप लोग तय कर लो पर ये विमान भरा हुआ जाना चाहिए, ग्वालियर से भरा हुआ आना चाहिए ग्वालियर। आपका हमारा संबंध वैश्य समाज के साथ संबंध, सिंधिया परिवार का सदियों पुराना है। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं आपसे कहूं कि आपका और मेरा रिश्ता एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, आपका और मेरा रिश्ता अगर कोई है तो आपका और मेरा रिश्ता एक खून का रिश्ता है मेरे भाई और मैं आपको बताऊं क्यों। जो लोग राजनीति में होते हैं वो कहते हैं कि आपका हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है, ये है वो है, पर आज मैं अगर खड़ा हूं आपके समक्ष कम से कम ये चौथी पीढ़ी पांचवी पीढ़ी है सिंधिया परिवार की जिसने आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया। मेरे पूर्वज माधव महाराज प्रथम 121 साल 22 साल पूर्व 1901 विदेश के दौरे पे गए थे। अपने राज्य के शासक विदेश के दौरे पे गए थे देखने के लिए कि विकसित देश व्यापार के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये जेसी मिल, ये ग्रासी, ये सिमको,
उस जमाने में 100 साल पूर्व पहला स्टेट था ग्वालियर स्टेट, जहां रेल की लाइन स्टेट के द्वारा स्थापित की गई। और नंदिनी जी की माता जी को मैं कहना चाहता हूं कि जो ग्वालियर श्योपुर की लाइन है उसे स्वीकृति मैंने प्रदान की थी कि नैरो गेज से हम ब्रॉड गेज में परिवर्तित करेंगे, और सेकेंड फेज में वो लाइन ग्वालियर श्योपुर की नहीं रहेगी, वो ग्वालियर से श्योपुर और श्योपुर से कोटा तक वो लाइन होगी। सिंधिया परिवार की सोच और विचारधारा सदैव विकास की रही है, प्रगति की रही है। मेरे पूज्य पिताजी ने यहां बैठे हुए कई महानुभावों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया है। मुझे याद है जब मैं बालक था, चाहे मेरी आजी अम्मा हो पूर्व राजमाता साहब, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, हमारे वैश्य समाज की टोली प्रतिनिधि मंडल अपने गुजारिश को लेकर आकर, आवेदन को लेकर आकर, और आपके आवेदन कभी भी स्वयं के लिए नहीं होते थे, आपके आवेदन सदैव ग्वालियर के विकास और ग्वालियर की प्रगति के लिए होते थे। और आपके समाज के अनेक लोग एक परिवार की भावना के साथ मिलकर सिंधिया परिवार ने सदैव कार्य। तो अगर आज आपके समक्ष में खड़ा हूं तो एक ही भावना के साथ खड़ा हूं, आपके सामने भारत सरकार का मंत्री नहीं खड़ा है, आपके सामने एक नेता नहीं खड़ा है, आपके सामने आपका परिवार का सदस्य ही खड़ा है। और उसी लक्ष्य के साथ, उसी सिद्धांत के साथ कि आप और हम साथ में मिलकर आपके और हमारे ग्वालियर को उसी ऊंचाइयों तक हम पहुंचाएंगे जिन 8 रत्नों की हमने बात की है समाज की, वैसा ही एक रत्न भारत के मुकुट में हम ग्वालियर को भी बनाएंगे साथ में मिलकर। और वही मेरा संकल्प है, चाहे कोरोना काल हुआ हो, आप में से कई लोग संक्रमित हुए थे, मैं संक्रमित हुआ था, मुझे तो 3 बार हो गए, पर मेरी कोशिश सदैव रही जब हम लोग लॉकडाउन में भी थे कि ग्वालियर में रेमडेसिविर की कमी नहीं होनी चाहिए, मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कमी नहीं होनी चाहिए, ग्वालियर के या मध्य प्रदेश के किसी कोने में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, ग्वालियर और मध्य प्रदेश में प्लाज्मा की कमी नहीं होनी चाहिए। और दिन और रात आपके साथ कई संक्रमित लोगों के साथ दूरभाष में मैंने चर्चा की, भारत सरकार के मदद से इंडियन एयरफोर्स के C-295 ग्लोबमास्टर को हम ग्वालियर लेके आए और उसके अंदर ऑक्सीजन के ट्रक भर भर के हम उड़ा के लेके गए ताकि ट्रेन से वापस ऑक्सीजन होने को। ये सब संभव होगा हो पाया है प्रधानमंत्री जी की वजह से, मुख्यमंत्री जी की वजह से। और आज जो ग्वालियर की प्रगति हो रही है, जो ग्वालियर का नया नक्शा बना है, और जो नक्शा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथ में मिलकर, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे मैं हो, चाहे शेजवलकर साहब हो, चाहे आप हो, वो विकास का नक्शा, वो प्रगति का नक्शा जिसमें ग्वालियर की विरासत भी रहे, ग्वालियर का इतिहास भी रहे, ग्वालियर की संस्कृति भी रहे, और ग्वालियर को आधुनिकता की प्रथम पंक्ति में भी हम लोग ला पाए, ये एयरपोर्ट उसका प्रतीक होगा, ये ग्वालियर का नया रेलवे स्टेशन जिसकी भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी ने रीवा से की, जहां केंद्र में ग्वालियर की प्राचीनता को संभाल के हम रखेंगे पुराने स्टेशन के रूप में, पर बाएं तरफ और दाएं तरफ
डिपार्चर और अराइवल का नया कॉन्कोर्स आधुनिक हम बनाएंगे। चाहे ग्वालियर के लिए नई पानी की योजना, जो चंबल से हम पानी लेकर ही आएंगे ग्वालियर के प्यास को मिटाने के लिए, जिस माधव महाराज प्रथम ने ग्वालियर में पहली बार पाइपलाइन लगाई थी 100 साल पूर्व, मुंबई की योजना के कंपनी श्यामपुर जी पालन जी को लाकर जो आपके घर में आज पाइपलाइन लगाए हैं, वो 100 साल पूर्व माधव महाराज के जमाने का पाइपलाइन लगा है। नया पाइपलाइन पानी हम लोग चंबल से ग्वालियर तक लाएंगे 350 करोड़ की। टिगरा से विवासरा तक नई पाइपलाइन की योजना और 66 के 66 वार्ड में नई पाइपलाइन बिछाएंगे 450 करोड़ की, 1300 करोड़ की योजना होगी पानी। आने वाले 50 साल एक भी व्यक्ति ग्वालियर में प्यासा ना रहे, एक ऐसी योजना की कल्पना हम लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं मेरे भाइयों। स्वर्ण रेखा पर एलिवेटेड रोड बन रहा है, किसी ने कल्पना की थी? जो स्वर्ण रेखा नाला वीरान हो गया था, सुअर के पानी निकलती थी, आज वो स्वर्ण रेखा नाले पर 18 किलोमीटर का 1300 करोड़ रुपए का एलिवेटेड रोड 16 किलोमीटर का बनता है। जिससे बड़े बड़े शहर में जाते हो, हाँ, बैंगलोर में, दिल्ली में, बॉम्बे में हाईवे पे एग्जिट, हाईवे पे एंट्री, वैसे हमारे स्वर्ण रेखा नाले पे जो एलिवेटेड रोड में बना रहा हूं उस पे 25 एंट्री और एग्जिट होंगे एक एक कॉलोनी के लिए। मेरे भाइयों ने रिंग रोड बनेगा जैसे दिल्ली में रिंग रोड, 1000 बिस्तर का अस्पताल तैयार हो चुका है, लेकिन आज तक लोकार्पण नहीं हुआ है और मैं नहीं करूंगा जब तक वहां सफाई के कर्मचारी पूर्ण रूप से तैनात नहीं होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, 974 पोस्ट उन्हें कैबिनेट ने उन्होंने मंजूर करवाया और आने वाले 25 तारीख तक 450 सफाई के कर्मचारी के पोस्ट भरे जाएंगे। उसके बाद शिवराज सिंह जी और हम और नरेंद्र सिंह जी आएंगे और उस अस्पताल का हम लोग लोकार्पण साथ में करेंगे। मैंने सुना था दीवार पे किरार है, क्रैक्स आ गई, 25 मई तक सारे क्रैक्स में रिपेयर करवा के ही रहूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। ये सब संभव हो पाया है क्योंकि एक प्रगति की सोच की सरकार, विकास की सोच की सरकार। और स्पष्ट रूप से मैं आपको कह दूं, अभी बैठ जाओ पीछे हो जाओ विवेक, जितना काम कांग्रेस में रहकर 20 साल में नहीं कर पाया उससे 10 गुना काम भाजपा में बैठकर मैं ग्वालियर के लिए कर पाया। लेकिन उस कोरोना काल के समय में जैसे बुनकर बैठता है, धागा लेता है, रेशम लेता है, कपड़ा लेता है और उन पर बुनकर बैठकर अपना ताना और बाना बनाता है, ये 3 साल भी हमारे भाइयों और बहनों हमने बैठकर सरकार में चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो ग्वालियर का ताना और बाना बनाने का काम किया और उसका फल अब जमीन पर दिखना शुरू हुआ। ग्वालियर का स्वर्णम इतिहास रहा है, स्वर्णम संस्कृति रही है, लेकिन उसका आभास बाहर से आने वाले व्यक्ति को नहीं होता था। आज ग्वालियर के 4 एंट्री पॉइंट्स पर सुंदर द्वार हम बना रहे हैं, एक महान संगीतकार तानसेन जी की स्मृति में, एक मान सिंह मंदिर के डिजाइन पर, एक देवी के मंदिर के डिजाइन पर,
ताकि जो व्यक्ति बाहर से आ रहा हो ग्वालियर, उसको ग्वालियर में आने का एहसास हो कि वो संस्कृति के धरोहर में प्रवेश कर रहा है। तो चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, मुन्ना राजी मंच पर बैठे हैं, मुरार नदी का सौंदर्यीकरण की योजना, पहली किस्त 39 करोड़, मैंने कहा है दूसरा किसका पूरा डीपीआर बनाने के लिए 12 किलोमीटर का 100 करोड़ की योजना, पूर्ण मुरार नदी का सौंदर्यीकरण हम लोग करेंगे। कि ग्वालियर एक रत्न है, इसे हमें और आपको मिलकर चमकाना होगा, पर इसमें मैं आपकी सहायता मांगता हूं। हमारे ग्वालियर को स्वच्छ रखना है तो आपको हमें मिलकर रखना होगा। ये जिम्मेदारी केवल शासन की नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, हर गृहिणी की है, हर पुरुष की है, हर नौजवान की। गंदगी की समाप्ति हमें ग्वालियर में करनी होगी। कितना भव्य बाड़ा बन रहा है, रात को आज बाड़े में जाओ, क्या सौंदर्यीकरण हम लोगों ने करवाया है, एक एक बिल्डिंग प्राचीन ग्वालियर की इमारत अलग अलग स्टाइल की एक रत्न की तरह चमक रही है। रात का वीडियो लोगे तो आपको नहीं लगेगा कि ग्वालियर का वीडियो है, ये लगेगा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय एक नई ऐतिहासिक धरोहर का वीडियो बन चुका है। एक तरफ विक्टोरिया मार्केट, दूसरी तरफ गोरखी जीपीओ टाउन हॉल, वो गवर्नमेंट प्रेस को भी मैंने नगर निगम को दे दिया है, उसकी सौंदर्यीकरण भी हो रही है। अंदर एक इंडस्ट्रियल म्यूजियम हम बना रहे हैं, विक्टोरिया मार्केट में जियो साइंस म्यूजियम हम बना रहे हैं, गोरखी के पास मल्टी लेवल कार पार्किंग हम लोग बना रहे हैं, अंडरग्राउंड ऊपर गार्डन बनेगा, फुहारे लगेंगे। इस ग्वालियर को निखारना है आपको, हमें मिलकर निखारना है, मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और जहां तक राजनीति की बात हो, मैंने टिकट की बात सुनी है, समझ पर जरूरी है नारा सा बहुत आसान है, मटका किसी के सिर पर फोड़ना, पारस जी के लहजे में बोलूंगा मैं, पारस जी बोल रहे हैं, हमको टिकट चाहिए। पुनः लाल जी ने भी कहा, चाहे बड़ी राजमाता साहब हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, चाहे मैं हूं, सदैव वैश्य समाज को हमने आगे करने की कोशिश की। पर यह भी मैं आपको कहना चाहता हूं, यह जिम्मेदारी आप नेताओं को मत दो, ये जिम्मेदारी अगर आप नेताओं को दे रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। ये जिम्मेदारी नेताओं की नहीं है और ना होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी समाज की होनी चाहिए। क्यों तालियां तो बजे, इसलिए क्योंकि अगर ये जिम्मेदारी आप नेता को दोगे, जो गहराई से आप अपने समाज को जानते हो वो नेता आपके समाज को कभी नहीं जानेगा। जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि ये दो लोग या ये तीन लोग या ये व्यक्ति हमारे समाज में मान और प्रतिष्ठा लायक है, हमारे समाज में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, हमारे समाज की तरफ से जन सेवा के लिए हम इनको आगे कर रहे हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी शुरू होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप नेताओं के ऊपर छोड़ दो तो नेता तो सीमित हो जाता है, कितने लोगों को जाने समाज के अंदर, नेता समझेगा कि ये व्यक्ति तो बड़ा हीरो है, रोज दिन में आके कान में कुछ खुसर खुसर कर देता है, बोलता है कि 100% हम जीतेंगे, तो नेता को लगता है कि बड़ा ये तो पहलवान है भैया,
और वास्तविकता है कि वो व्यक्ति समाज के अंदर ही जीरो है। इससे ज्यादा अच्छा है कि समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए ऐसे मंचों के द्वारा कि आप लोग अपने समाज के दो तीन जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिनकी पैंट समाज के बीच में और केवल समाज नहीं संपूर्ण जनता के बीच में, इसलिए मैं वापस इतिहास में जाऊंगा, महाराज अग्रसेन की समाज है, भगवान महावीर जी की समाज है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाज है, वासुदेव कुटुंबक का समाज है। ये तो जिसकी क्षमता है सबको बटोरने के लिए, सबको एकत्रित करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को आप आगे करो, फिर हमारी जिम्मेदारी है उनको आगे ले जाना। सहमत हो आप? आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा मार्गदर्शक समाज है, मेरा प्रतिष्ठित समाज है वैश्य समाज। मुझे विश्वास है कि जितनी मेरी मत में चिंता है, जिज्ञासा है, उत्सुकता है ग्वालियर के विकास के लिए, उतने आपके मन में भी है, आपके दिल के अंदर भी है। इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके नए समाज के नेतृत्व को आप आगे करो और भटकना मत। चुनाव का सीजन आया है, विदेशी पंछी आएंगी ग्वालियर, बहुत फड़फड़ करेंगी, बहुत भटकाने की कोशिश करेंगी। अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य सीधे आंख पर होना चाहिए और वो लक्ष्य है ग्वालियर का विकास और ग्वालियर की प्रगति, और उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अगर मेरे साथ सहमत हो तो खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो और कहो मेरे साथ भारत माता की जय। मैं रुक जाऊं, सब लोग उठ जाएं पहले, कोई धीरे धीरे उठ रहे हैं कुछ लोग। ओ दादा ऊपर, मेरी आंखें, मैं क्षमा चाहता हूं, बड़ी तीखी हैं। बोलो मेरे साथ भारत।